हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एप्रोगेशन में मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूं लास्ट 15 डेज के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में तो आज हम कवर करेंगे फिफ्टी अक्टूबर से लेकर थर्टी अक्टूबर ट्वेंटी तक के बर्निंग लीगल अपडेट्स को जो हर लॉ डोमेन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप भी हैं एक जुडिशियल एस्पायरेंट और करना चाहते हैं घर बैठे बैठे जुडिशरी की तैयारी तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंबरशिप प्लान हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करके ले सकते हैं अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स की तरफ सो द फर्स्ट अपडेट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एज नेक्स्ट सी जे आई इंडिया की प्रेसिडेंट ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड को इंडिया का नेक्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है जिनका टेन्योर नवम्बर नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी टू से स्टार्ट होगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड इंडिया के फिफ्टीथ चीफ जस्टिस होंगे जो सक्सीड करेंगे सी जे आई यू यू ललित को इनका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क में जैसे अयोध्या लैंड डिस्प्यूट राइट टू प्रिवेसी अडल्ट्री सबरीमाला केस इसी के साथ साथ इनके बारे में एक बहुत खास जानकारी इनके फादर वाई वी चंद्रचूड़ इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं जिनका टेन्योर फेबररी ट्वेंटी टू से लेकर के जुलाई एलेवन नाइनटीन तक का था जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का टेन्योर नवंबर टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक का रहेगा मींस इनका टेन्योर टू इयर्स तक का रहेगा अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट को सो द नेक्स्ट अपडेट इज मिनिस्टर एंड पब्लिक सर्वेंट कैन फाइल कंप्लेंट अलीजिंग डिफेमेशन विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर अंडर सेक्शन वन नाइन्टी क्लास टू एंड क्लास फोर सी तो सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर एंड वी रामा सुब्रमण्यम ने मनोज कुमार तिवारी वर्सेस मनीष के केस में ये बोला कि जो भी मिनिस्टर और पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो डिफेमेशन से रिलेटेड प्राइवेट कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं उनको सीआरपीसी के सेक्शन 199 के क्लॉज टू और क्लॉज फोर में दिए हुए स्पेशल प्रोसेस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो द नेक्स्ट अपडेट इज स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सपोजिंग एनी मिनिस्टर नॉट कंसिडर डिफेमेट्री अनलेस देयर इज समथिंग मोर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेम केस में मनोज कुमार तिवारी वर्सेस मनीष सिसोदिया के ही केस में ये बोला कि अगर कोई भी मिनिस्टर किसी दूसरे मिनिस्टर को एक्सपोज करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स बोलता है तो उन्हें डिफेमेटरी कंसिडर नहीं किया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं दैट आई विल एक्सपोज यू या फिर बोलते हैं आई विल एक्सपोज योर करप्ट प्रटिसिज या फिर बोलते हैं आई विल एक्सपोज द स्कैम इन विच यू आर इन्वॉल्व तो इन स्टेटमेंट्स को डिफेमेटरी कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस देयर इज समथिंग मोर देन दीज स्टेटमेंट्स सिर्फ इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर उन पर डिफेमेशन का केस नहीं लगाया जाएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो द नेक्स्ट अपडेट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एज सब्सटैंटिव एविडेंस सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में सी जी आई यू यू ललित एंड जस्टिस जे बी पारदीवाला ने सुब्रमण्या वर्सेज स्टेट केस में ये बोला कि अगर कोई भी को एक्यूज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देता है तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन देखते हैं क्या होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब है एक फ्री और वॉल्टारिली कन्फेशन जिसमें एक अक्यूज पर्सन अपने गिल्ट को कन्फेस करता है पर उसने वो कन्फेशन जज या फिर मजिस्ट्रेट के आगे नहीं किया है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर कोई भी को अक्यूज एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन करता है तो उस पर हम रिलाई करके उसे सब्सटैंडिव एविडेंस नहीं बना सकते वो कन्फेशन सिर्फ एक कॉरबोरेटिव एविडेंस रहेगा सिर्फ और सिर्फ उस कन्फेशन के बेस पे उसके कन्फेशन के फाउंडेशन पर हम कन्विक्शन ले डाउन नहीं कर सकते अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट बिकम इन एडमिसबल मेयरली बिकॉज पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डेड इट तो सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड हीमा कोहली ने केस में स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय में यह बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन इन इनएडमिसिबल नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर कि उसे एक पुलिस पर्सोनल ने रिकॉर्ड करा है ऑल दो डाइंग डिक्लेरेशन जो है आई डेली एक मजिस्ट्रेट अगर पॉसिबल है तो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जानी चाहिए बट स्टिल अगर एक पुलिस पर्सोनल ने रिकॉर्ड करी है तो सिर्फ इसी अकेले रीजन के बेसिस पर हम उसे इनएडमिसिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट सो द नेक्स्ट अपडेट इज सुप्रीम कोर्ट बैंस टू फिंगर टेस्ट इट सेज दैट दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन पैट्रीआरिकल माइंड सेट दैट सेक्शली एक्टिव वुमेन कांट बी रेप्ड इस केस में जिसका नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेज शैलेंद्र कुमार राय में जस्टिसिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड हीमा कोहली ने टू फिंगर टेस्ट को बैन किया है आप देखते हैं पहले कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है टू फिंगर टेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो किसी भी विक्टिम को जो रेप विक्टिम होता है उसे एग्जामिन करते हैं तो वो उनके वेजाइना में रेप सर्वाइवर के वेजाइना में टू फिंगर्स इंसर्ट करके ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो जो लड़की है वो वर्जिन है या नहीं या फिर वो सेक्जुअल इंटरकोर्स के लिए हैबिचुअल है या नहीं ये होता है टू फिंगर टेस्ट अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि ये जो टेस्ट है इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है बल्कि ये टेस्ट होने की वजह से वुमेन और ट्रॉमाटाइज ही होते हैं तो ये बोला गया यहाँ पर कि टू फिंगर टेस्ट कंडक्ट नहीं होना चाहिए ये इसके बेसिस पर आप करेक्ट अजाम्पन नहीं बना सकते हो और ये कोई भी तरीका नहीं है ये अज्यूम करने का कि वुमेन सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए हैबिचुअल है या वर्जन है या नहीं आई होप आपको यहाँ तक के ये इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट समझ आए होंगे अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कम इन द कॉमेंट बॉक्स अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर स्टे ट्यून टू अस थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स